एलन मस्क और ट्विटर के बीच हुई डील के बाद टेस्ला इंक को मंगलवार को निवेशकों की चिंताओं के बीच $126 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार निवेशकों में इस बात को लेकर चिंता थी कि मुख्य कार्यकारी एलन मस्क को ट्विटर इंक के अपने $44 बिलियन के बाय आउट के लिए टेस्ला के शेयर बेचने पड़ सकते हैं। हालांकि टेस्ला ट्विटर सौदे में शामिल नहीं है, फिर भी इसके शेयरों को लेकर लोगों में असमंजस के हालात बने रहे, क्योंकि मस्क ने सार्वजनिक रूप से ये खुलासा करके इनकार कर दिया था कि अधिग्रहण के लिए उनके पास धन कहां से आएगा, जिसके बाद मंगलवार को टेस्ला के शेयरों में 12.2% की गिरावट दर्ज की गई और टेस्ला को $126 बिलियन के नुकसान का सामना करना पड़ा। ट्विटर के शेयर में भी मंगलवार को 3.9% की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि मस्क ने सोमवार को इसे $54.20 प्रति शेयर नकद में खरीदने के लिए सहमति व्यक्त कर दी थी। जानकारों का कहना है कि टेस्ला के शेयरों में गिरावट के बाद मस्क को ट्विटर के लिए आवश्यक धन को पूरा करने के लिए दूसरे विकल्पों के बारे में सोचना पड़ सकता है। बताते चले कि दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति एलन मस्क और ट्विटर के बीच सोमवार को डील फाइनल हो गई थी। जानकारी के अनुसार मस्क ट्विटर को $24 अरब लगभग 3,36,927 करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं। ट्विटर के इंडिपेंडेंट बोर्ड के चेयरमैन ब्रेट टेलर ने एलन मस्क के साथ हुई डील की जानकारी दी थी। डील फाइनल होने के बाद मस्क ने ट्वीट कर कहा था कि मुझे उम्मीद है कि मेरे सबसे बुरे आलोचक भी ट्विटर पर बने रहेंगे, क्योंकि फ्री स्पीच का यही मतलब है। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।